हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? देखो, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप फाउंडेशन ब्लेंडर से कैसे लगाएं, तो आज मैं वही बताऊंगी। देखो, आपने ब्लेंडर से फाउंडेशन लगा तो लिया, अब क्या करना है? आप इसको ऐसे ही रख दोगे या उसको सेकेंड टाइम यूज करोगे या उसको क्लीन करके रखोगे, और क्लीन करोगे तो किस तरीके से आपको क्लीन करना है, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखो क्या होता है, देखो जब भी हम ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से, तो हमेशा जैसे हम ब्रश यूज़ करते हैं तो जो हमारे फेस पे थोड़ा डर्ट होता है वो ब्लेंडर पे लग जाता है फाउंडेशन के साथ। और मैं ये कहूँगी, देखो जब भी आप ब्रश को यूज़ करो या ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करो, अब जैसे देखो मैंने इसको दो बार यूज़ कर लिया, अब आपको देखो डर्ट तो देखो दिख ही रहा होगा। मैं ये कहूँगी आप इसको मैक्सिमम दो बार यूज़ करो और दो बार से ज़्यादा नहीं, इसको वापस इसमें नहीं रखना, इस बॉक्स में नहीं रखना। आपको क्या करना है, इसको वॉश करना है, क्लीन करना है, उसी के बाद आपको थर्ड टाइम इसको यूज़ करना है। बिकॉज़ क्या होता है, जब भी हम फेस पे अपना ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं उसके बाद वापस इसको रख देते हैं इस बॉक्स में, दोबारा से यूज़ करते हैं, दोबारा से रख दोगे, तो उससे क्या होगा, आपके फेस पे जो है डर्ट है वो आपका इस ब्यूटी ब्लेंडर से बार बार लगता रहेगा और आपके फेस पे आपके जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे फेस पे, एक्ने हो जाएगा। तो इसलिए क्या करें, हमेशा आप जब भी कोई भी आप अपने फेस पे चीज़ लगा रहे हो या आप मेकअप ब्रश से कर रहे हो या ब्यूटी ब्लेंडर से, आपको उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर फटाफट से आराम से क्लीन हो जाएगा विदाउट एनी झंझट या ज़्यादा कुछ मेहनत के। तो देखो, अब मेरा ये मैंने यूज़ कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहली चीज़ है कोई भी हम किसी चीज़ को क्लीन करते हैं, या तो हम क्लींजर लें या हम बेबी शैम्पू लें या फेस वॉश लें, देखो काम है इसको क्लीन करने का। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सोप से भी क्लीन करते हैं, सोप में ऐसे लिया उसको पानी में से निकाला, क्योंकि ये स्पंज ही है तो आराम से क्लीन हो जाता है। तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, इसके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको इस पर लगा के छोड़ दीजिए और जैसे इसको पानी पे, टैप में या वॉश बेसिन पे, कहीं पे भी आप इसको जस्ट एक बार ऐसे इसको अच्छे से कर दीजिए ताकि सारा जो इसका डर्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं क्या कर रही हूँ वो ये है कि देखिए, अब मैं क्या करूँगी, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, अब मैं क्या कर रही हूँ ये है कि मैंने लिया है बेबी शैम्पू। आप चाहो तो आपके पास कोई भी नॉर्मल शैम्पू है या कोई क्लींजर है, आप उससे भी कर सकते हो। मैं जस्ट क्या करूँगी, मैं ये बेबी शैम्पू थोड़ा सा माइल्ड होता है इसलिए मैं ये शैम्पू वो सब यूज़ करती हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने इसको ना इस पे अच्छे से ऐसे रख दिया, लगा दिया पूरा। ठीक है, अब लगाने के बाद मैं इसको एक बार ऐसे पानी में अच्छे से डिप कर रही हूँ, ये देखिए डिप कर दिया, ये हो गया। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा शैम्पू और लगा रही हूँ, देखो इस तरीके से, और ये हल्का सा ऐसे इसको मैं ऐसे, अब मैं क्या करूँगी आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी पानी में। आप ये जो मेरा पानी है इसके अंदर मैं इसको ऐसे डिप करके छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए मिनिमम, तो 15 मिनट्स के लिए आप छोड़िए ही, लेकिन अगर आप हो सके तो इसको आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए। 15 मिनट्स हो गए अपने स्पंज को ऐसे रखे हुए। अब मैंने क्या किया है, मैंने वो जो मेरा पानी था साबुन वाला, मैं उसको वॉश बेसिन में डाल के आ गई और मैंने इसमें नॉर्मल वाटर भर लिया, और मैं इसको देखो अच्छे से क्या कर रही हूँ, इसको ऐसे 2-3 बार मैंने किया, और ये देखिए बिना कुछ मेहनत के बस बेबी शैम्पू लगाया, इस पे रखा और कितना अच्छे से ये क्लीन हो गया। बहुत इजी वे है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। इस जस्ट की मैं एक बार आपको बताऊं कि और भी क्या मेथड्स होते हैं बेबी शैम्पू के अलावा, आप नॉर्मल शैम्पू जो है वो भी इस पर डाल के छोड़ दीजिए, आधा घंटा रख दीजिए, या मिनिमम 15 मिनट्स में भी आपका काम हो जाएगा, बड़े आराम से क्लीन हो जाएगा। और या तो फिर आपको इस साबुन को अच्छे से पानी में, अगर आपके पास वो भी नहीं है सपोज शैम्पू और बेबी शैम्पू, तो आप क्या करें, साबुन को अच्छे से ढीला करके अपने हाथ में झाग बना लीजिए और इसके ऊपर ना आप इस तरीके से पूरा उसको मसल दीजिए, और मसल के पानी के पानी में आपको रखना है, इसको ऐसे ही नहीं रखना, पानी में रखना है, उसके बाद वो पानी निकाल दीजिए, सारा डर्ट इसमें आराम से निकल जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया। अब बस मैं क्या करूँगी, अब एक चीज़ और देखिए, ये थोड़ा सा अभी वेट है, देखो अब मैंने ना ये क्लीन करा है, क्लीन करने के बाद अभी ये थोड़ा सा वेट है,
मैं इसको ऐसे इसके अंदर नहीं रखूंगी, थोड़ा सा मैं इसको ड्राई होने दूंगी, बाहर रख दीजिए आप नॉर्मल रूम में रख दीजिए और आराम से अपने मतलब ये आप लगा लो 4-5 घंटे के लिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और जब ये 4-5 घंटे बाद अच्छे से ड्राई हो जाए पूरा, आपको टच करने पे पता चल जाएगा ड्राई हो जाए, उसके बाद आप अपने इस बॉक्स में कंटेनर में उठा के इसको आराम से रख दीजिए और आपके नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए एकदम आपके पास एक क्लीन ब्लेंडर तैयार है। आपको समझ में आया कितना आसान है ये ब्यूटी ब्लेंडर साफ करना? और कभी भी मैं अब दोबारा बोलूँगी, कभी भी गीला मत रखना इसके अंदर, हमेशा इसको ड्राई करके सुखा के फिर रखना, ऐसे ही छोड़ देना 4-5 घंटे के लिए, उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद उसको उठा के इसके अंदर रख लो और बस। फिर इतना छोटा सा काम है, छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए कि इसको क्लीन कैसे करें। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो कितना आसान है। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।